हेलो हेलो एवरीबडी वी एल एड फर्स्ट ईयर आई होप आप अच्छे से होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स एंड दैट इज़ ऑल अबाउट मूर्ति कला स्कल्पचर जो हमारे मंदिरों में देखने को मिलता है लास्ट uh, टाइम मैंने जो हिस्ट्री डिस्कस की थी आपसे दैट वाज़ अबाउट पूरा पाषाण मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण वगैरह काल के बारे में की थी मध्यकालीन भी की थी आपसे नव जो था आधुनिक युग के बारे में फिर हम थोड़ा सा बात करने आ रहे थे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादातर लोगों के मैंने आपको फ़ोटो में भी दिखाया था मोहन और हड़प्पा सिविलाइजेशन तो इसमें uh, कहाँ से कि धातु का प्रयोग होना शुरू हो गया था ठीक तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था और इसमें मूर्तिकला अच्छे से हमें दिखाई मिलती है इसमें कई अवशेष मिले हमें मूर्ति कला के और लोग अपने घरों को बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर नहीं बनाते थे लोग मूर्ति कला में विश्वास रखते थे और दूसरी चीज़ उनका जो मेन आस्पेक्ट होता था वो था मंदिर का निर्माण तो मंदिरों में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने बनवाए जैसे कि अशोक थे कालीन चंद्रगुप्त मौर्य ने मंदिर बनवाए और उसके बाद दे, कृष्णदेवराय वगैरह हैं आते हैं उसमें अब आगे मैं बात करती हूँ आगे मैं बात करती हूँ मंदिरों को दो श्रेणी में जब बांटा गया था तो उत्तर भारत की जो शैली थी उसे नागर शैली बताते थे और दक्षिण भारत की शैली ड्राविडियन आर्ट कहलाती थी ओके okay. तो so, इसमें मेन थी हमारी मूर्तिकला मूर्ति विद्या और अलंकरण देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन ही इतिहास की अलग भाषा शैली में जिसे कहते हैं हम मूर्ति विद्या कहते हैं मूर्ति के डिज़ाइन में आ, हम लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए थे उसमें आप बात करें तो दक्कन को अगर हम लेते हैं उत्तर भारतीय तो सिंपल शैली थी जैसे कि नागर थी दक्षिण भारतीय शैली में कर्नाटक जैसे इन्होंने बहुत बहुत, बहुत शैलियों का निर्माण किया जिसमें कि नटराज की, की मूर्ति मेन है इसमें आप नटराज की मूर्ति सभी ने देखी है और इसमें आप स्थापत्य कला का देखो सॉरी मूर्ति कला का आप विशिष्ट उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरीके से उसमें कितने कर्व्स हैं ठीक है महादेव भगवान नटराज की डांस करते हुए वो प्रतिमा है और उसमें कितनी अच्छे से वो डिज़ाइन की हुई है ठीक है तो इसमें के कालीन जो महाराजा थे उनका समावेश मिलता है जिसमें दुर्गा मंदिर भी पाए है और देव मंदिरों में मंदिरों के अंदर दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी अलंकृत रहती थी अलंकृत मूर्तियाँ होती थी मतलब ऐसी नहीं कि खाली मूर्ति बना दी उसमें कपड़े पूरे बाकायदा अलंकार अलंकार मतलब जेवर जेवरात पहने हुए आभूषण पहने हुए वो मूर्तियाँ होती थी फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है अब क्योंकि इस समय आडम्बर बहुत बढ़ गया था तो इस तरीके इसलिए बौद्ध और जैन धर्म जो है काफ़ी प्रचलित हो गए थे भाई अशोक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था और अशोक ने काफ़ी जो है मान निर्माण कराया सारनाथ में आपने स्तूप वगैरह सुने हैं देखे भी होंगे तो स्तूपों का निर्माण कराया जो देश विदेश में बहुत ही फेमस है बोधगया जो है निश्चित रूप से एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है बो, महाबोधि मंदिर जो है ईटों से बनाया गया है बहुत ही भव्य निर्माण है बौद्धि वृक्ष के नीचे जो है उसका निर्माण अभी सम्राट ने ही कराया था पर्थे की कांस की मूर्तियाँ लगवाई थी मथुरा की मथुरा में भी कई मूर्तियाँ जो है खंडित कर दी गई मुगलों द्वारा लेकिन कच, कुछ कुछ मूर्तियाँ हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास अभी भी रखी हैं जैन धर्म की बात करें तो इन्होंने जो मंदिर बनवाए थे उन्होंने अनेक मंदिर स्थान स्थान पर पाए जाते हैं दक्षिण में वास्तुकला के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है एलोरा एलहोल की महत्व मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं ठीक है कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है और राजस्थान में हम देखें तो माउंट आबू है जैन मंदिर है और इनके बेजोड़ नमूने जो हैं जो अलंकृत और सुंदर जिनकी छतें जो हैं बहुत ही सुंदर तरीके से नक्काशी की गई है आफ्टर right. दैट अब हम आते हैं भारत में किस तरीके की मेटल का जो है इस्तेमाल होता था तो मेटल्स में आते हैं सबसे पहले जो मूर्ति आपको मालूम मिली है वो कांसे की मूर्ति हमें मिली है मोहन हड़प्पा की खुदाई में तो कांसे की मूर्ति नर्तकी की मूर्ति मिली है जो सबसे पहली मूर्ति हमें मानी जाती है तो इसी तरीके से जब कांसा था तो उसके बाद में पीतल तांबा इनकी भी मूर्तियाँ मिलनी शुरू हो गई और आपने सुना होगा बहुमूल्य अष्ट धातु की मूर्तियाँ भी बननी शुरू हो गई ठीक है तो लेटर ऑन इन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी जो थी कारीगरी उसमें प्रोग्रेस होनी शुरू हुई जिससे महाराष्ट्र में और काशी की मूर्तियाँ घुंघराले बालों वाली इस तरीके से महाराष्ट्र वगैरह में हमें देखने को मिलती है बिहार में ये चौसा के आसपास मिलती है गुजरात राजस्थान में जैन धर्म में मिलती हैं और हरियाणा में हाजी तमिलनाडु के अनेक स्थलों से हमें मूर्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं ठीक है इसी इसी क्रम में बुद्ध भगवान की हमें बहुत जगह मूर्तियाँ मिलती हैं कई कई जो है मुद्राओं में और कई कई धातुओं में हमें भगवान महा महावीर बुद्ध की और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं धानेसर में विशिष्ट कांस्य प्रतिमा जो है परिधान की तरह पहने हैं तो मथुरा शैली एक शैली है जिसका नाम मथुरा शैली है जिसमें बनाए जाते हैं आप देखेंगे आ, अभी मेरे पास फोटो अवेलेबल नहीं हो पाई थी नहीं तो मैं आपको हर हर हमेशा फोटो से ही पढ़ाती हूँ तो महाराष्ट्र से प्राप्त जो है बुद्ध की कांसे की प्रतिमाएं मिली हैं हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवताओं हिंदू देवी देवताओं की कांसे की प्रतिमाएं बहुत मिली हैं जिसमें आठवीं नौवीं दसवीं शताब्दियों की बनी बताई जाती हैं फिर माता महिषासुरमदिनी या दे, दुर्गा देवी की प्रतिमाएं भी मिली हैं ठीक है, है? इन्हें देवी पूजा कुल देवी इस नाम से करा जाता था तो अब मूर्ति कला की बात हुई है तो अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात करें तो पिछली क्लास का मैंने शायद इंग्लिश में नहीं बताया था तो इस क्लास में मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास का एक रिवायरी कैप लूँगी फिर इस क्लास का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताऊँगी तो आर्ट्स ऑफ द इंडियन इंडस वैली जो मैंने आपको पिछली क्लास में मैप के थ्रू बताया था तो उसमें लोथल वगैरह था और ये सारे एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो हड़प्पा और सिविलाइजेशन का पाकिस्तान में चला गया तो इसमें सबसे अच्छी मेजर सिटीज जो थी हड़प्पा और मोहन थी ठीक है इसमें क्या चीज़ डेवलप थी घर थी मार्केट थे स्टोरेज के भंडार थे और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था यानी कि नालियाँ बहुत अच्छी डेवलप थी अब मोहन और हड़प्पा पाकिस्तान में है लेकिन इंडिया में कुछ शहर बचे हुए हैं जो कि उनके शेष है जैसे कि लोथल है जो कि गुजरात गुज्रा, गुजरात में है राखी राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है रोपड़ पंजाब में है और कालीबंगा और बालथल राजस्थान में है ठीक है तो इसे याद रखिएगा ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी नॉलेज में भी अच्छा रहेगा सी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमें लोथल कालीबंगा और ऊपर से मूर्तियाँ मिलती हैं अब ये जो मूर्तियाँ हैं इनकी बात करेंगे तो ये रिफाइंड बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड नहीं है ठीक है ये स्टोन की बनी है कुछ कुछ ब्रॉन्ज की बनी है ठीक है तांबे की बनी है तो आगे बात करते हैं इनका पैटर्न कैसा है आइज जो है थोड़ी सी आधी क्लोज है हाफ इलोंगेटेड है यानी बाहर निकली हुई है नोज जो है वेल well फॉर्म्ड है मीडियम साइज की माउथ जो है विद शार्प है और जो मेल प्रतिमाएं हैं वो जो उनमें मूछे भी बनी हुई हैं ठीक है कान बने हैं प्रॉपर हेयर कर्न है या फिर नर्तकियों के हैं स्त्रियों के हैं तो बीच से आधे आधे डिवाइडेड हैं आमलेट पहनी है नर्तकिया आभूषण पहने हैं ब्रॉन्ज तांबे की प्रतिमाएं हैं ठीक है हड़प्पा में मिली है अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये हमें बहुत ही अच्छी एक मैसेज देती हैं इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए लेकिन आप अगर जब आप देने जाते हैं प्रैक्टिकल वाइवा तो ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं अब हम देखते हैं कि देखिए मूर्तिकला हो गई मंदिर हो गए मंदिरों के जो पिलर्स थे स्कल्पचर्स थे वो कैसे रॉक कट किए जाते थे ठीक है उनकी कटिंग बड़ी खूबसूरत होती थी उनके हर एक पिलर पे डिज़ाइन होता था और मॉन्यूमेंटल फिगल फिगर जो है अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो वो उन्होंने पिलर्स पे बना दिए होते थे अब मौर्य टाइम मौर्य समय के जो पिलर्स थे वो बहुत ही उन्नत किस्म के नक्काशी की गई थी सुंदरता से गाढ़े हुए थे ठीक तो है बुद्धिज़्म की पॉपुलैरिटी के साथ साथ हमने देखा है कि जो वैशाली है कपिल वस्तु है और जहाँ जहाँ इनके जो इनके संघ के मीटिंग होती थी वहाँ वहाँ इन चीज़ों में बहुत डेवलप किया गया है वहाँ वहाँ बुद्ध धर्म के अनुयायियों ने बहुत अच्छी कारीगरी का परिणाम देखे हैं जैसे कि बुद्ध में बुद्ध और जैन धर्म के जो नगर हैं उनमें बहुत जैसे पावा कुशीनगर ठीक है वैशाली कपिल वस्तु इन जगह पे काफ़ी उन्नत किस्म के हमें देखने को मिल जाती हैं कारीगरियाँ अब आ, इस बार तो मैं आपको कोई फोटो अवेलेबल नहीं हुई लेकिन अगली बार मैं आपको फ़ोटो के साथ अवेलेबल कराऊंगी और इससे आगे की हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे हमें पता होना चाहिए कि फाइन आर्ट इंडिया में कैसे डेवलप हुई है और आगे इसका स्कोप क्या है और आपके लिए क्यों यूज़फुल है आपने आई होप वर्किंग मॉडल्स बना लिए होंगे या फिर इसमें काम कर रहे होंगे ठीक है टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर बाय बाय